नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो आज भी समाज से पिछड़े हैं। ज़रूरत है उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने की। आज हम बात कर रहे हैं किन्नर समाज की, जिनमें से महंत मनीषा का कहना है कि उनका दावा है कि पूरे भारत में एक भी ऐसा किन्नर नहीं है जिसका बीपीएल कार्ड बना हो, जबकि किन्नर समाज सबसे पिछड़े हुए माने जाते हैं। लेकिन किन्नरों का समाज में राजनीतिक, शिक्षा, ऐतिहासिक, भौगोलिक पक्ष पर विचार और विमर्श करने के लिए 23 से 24 जून को गुलाचिका में आयोजित होगा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बहुउद्देश्य संगोष्ठी का आयोजन। इस संगोष्ठी में देश विदेश से 250 के करीबन शोधकर्ता, लेखक और किन्नर भाग लेंगे। 250 के करीबन शोधकर्ता, लेखक और किन्नरों के भाग लेने के साथ साथ वे बच्चे भी इस किन्नर समाज पर जो PhD कर रहे हैं वो भी भाग लेंगे, ताकि उनके जो सवाल हैं और उलझने हैं उन्हें वो दूर करने का प्रयास कर सकें। किन्नर समाज की ऐतिहासिक, पौराणिक एवं धार्मिक मान्यता सभी पर विस्तार से बताया जाएगा। आप देख रहे हैं पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। जी हाँ, कैथल पहुंची माई मनीषा महंत भुना। आज कैथल पहुंची थी और उन्हें मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि इस कार्यालय में, खासकर इस कार्यक्रम में, सऊदी अरब से हाजी पप्पी महंत, पोर्ट ब्लेयर व मलेशिया, यूक्रेन, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु से भी यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। वहीं मनीषा ने बताया कि हमारी समस्या शिक्षा से शुरू होती है, क्योंकि हमारे समाज में अधिकतर किन्नर शिक्षित नहीं होते, जिस कारण वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। अगर किन्नर समाज शिक्षा प्राप्त करेगा तो वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक जरूर होगा। इसके अलावा मनीषा ने बताया कि समाज में एक धारणा है कि किन्नर कठोर होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि किन्नर कठोर नहीं होते, उन्हें कठोर बना दिया जाता है। किन्नर जब बच्चा होता है तो वह आम बच्चों जैसा होता है, लेकिन उसे ताने दे दे करके और कठोर बनने पर मजबूर कर दिया जाता है। किन्नर समाज की इस महत्ता को समझने के लिए 23 से 24 जून तक गुलाचिका में ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बहुउद्देश्य संगोष्ठी का जो आयोजन होगा उसमें बहुत सारे लोग उपस्थित होंगे। यहाँ पर वे विचार विमर्श करेंगे और भी कई ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसको समझना होगा, जिसके लिए अलग अलग जगह से आए हुए लोग प्रयास करेंगे। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। अपनी पेंशन शुरू की है मैं मानती हूँ, पर सरकार आज भी 98% किन्नरों के पास, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 98% किन्नरों के पास पेंशन का जो है अधिकार है, लेकिन उनको उसका लाभ नहीं मिलता क्योंकि वो जागरूक नहीं है। जब तक आप किसी को उस उनके अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं करोगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनके हक कहाँ हैं, कैसे हैं। आज एजुकेशन को लेकर बोर्ड के क्या है? एजुकेशन सिस्टम में जो है ना, सबसे पहले जब मैंने हरियाणा एजुकेशन बोर्ड में एडमिशन के लिए शुरुआत की तो मुझे सबसे पहले ये कहा गया कि जी हम किन्नरों को एडमिशन नहीं देंगे। उनके पास कोई मजबूत कारण भी नहीं था कि ऐसा कोई मजबूत कारण हो कि जी हमारा जो सिस्टम है उसमें सिर्फ मेल फीमेल के एडमिशन का ही ऑप्शन है। मैंने कहा बट सुप्रीम कोर्ट ने तो ये अधिकार दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दे दिया तो आप थर्ड जेंडर को ऑप्शन डालो। वो कहते कि जी अभी नहीं डाल सकते। तो खैर वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी थे ऑफिसर्स जिन्होंने हमें बहुत सहयोग किया और आखिरी में वही हुआ कि हमें हमारा अधिकार एजुकेशन सिस्टम में भी मिला और वहाँ पे थर्ड जेंडर का ऑप्शन आया और मैंने फर्स्ट क्लास जेंडर स्टूडेंट के रूप में वहाँ पे एडमिशन लिया। और आज भी हो रही हैं और ईश्वर की कृपा से आगे भी होंगी। अगर हम किन्नरों का इतिहास उठा करके देखें तो एक समय में किन्नर इस देश में राजा भी थे, इस देश में सिक्योरिटी एजेंसियां उनके हाथ में थी, इस देश में रानियों की हरम की, जब राजा जो लोग होते थे वो किन्नरों के सिवा किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते थे क्योंकि एक वॉरियर कौम है, अगर इन्हें मौका दिया जाए एक लड़ाका कौम है, तो राजा किन्नरों के सिवा रानियों की रक्षा को लेकर के किसी और पे विश्वास ही नहीं करते थे। वो इसलिए किन्नरों को रानियों के हरम में उनकी रखवाली के लिए रखते थे। तो मैं मानती हूं कि हर डिपार्टमेंट में इनको मौका देना चाहिए। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे किन्नर हैं, क्या उनमें से 2 टीचर नहीं बन सकते, क्या उनमें से 2 प्रोफेसर नहीं बन सकते, क्या वो सिंगर नहीं बन सकते?
पर करते क्या है, देखिए ये हो गया गवर्नमेंट सेक्टर, बट प्राइवेट सेक्टर की तरफ अगर हम आए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, तो सीरियल्स में क्या होता है कि अच्छे भले लड़कों को सलवार सूट पहना करके परफॉर्म करने के लिए भेज दिया जाता है, फिल्मों में भी और जगह भी। वहां पे उनका जो इतिहास वर्तमान है उसको सुधारने की बजाय उनको एक हास्य का पात्र बना करके पेश किया जाता है। ये क्यों नहीं कभी दिखाते कि इस देश के अंदर किन्नरों ने कितना संघर्ष किया, किस काल में इस देश के अंदर किन्नर राजा थे, किस काल में उनके हाथ में सिक्योरिटी एजेंसियां थी, किस काल में उन्होंने अंग्रेजों को टक्कर दी और उनके ऊपर सन 1800 में एक एक्ट लगा जिसकी वजह से उन्हें क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था। आखिर अंग्रेजों को हमसे क्या दुश्मनी थी कि उन्होंने हमारे ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगाया था? उसका कारण यह था कि किन्नर जो है आजादी की लड़ाई में भरपूर योगदान देते थे उस समय के राजाओं के साथ मिल करके। पर किन्नरों का इतिहास मिटने का एक कारण यह भी है कि लोग शिक्षा से दूर रहे। मैं मानती हूं कि सबसे ज्यादा दोष खुद किन्नर समाज का है, क्योंकि ये शिक्षा से दूर रहे। कोई दूसरा समाज आपका इतिहास या वर्तमान नहीं संभालेगा, ये आपको खुद करना होगा। जीती हूँ कि ये लोगों ने एक हवा बना रखा है कि जी किन्नर, अरे उसमें कुछ फर्क नहीं है, वो सिर्फ एक जेंडर का फर्क है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाथ पैर मेंटलिटी सब चीजें वैसी ही हैं, बस फर्क ये है कि आपने उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। वो अपनी सुरक्षा को लेकर के एक गुटों में बंधे रहे, एक साथ रहने लगे अपनी सुरक्षा को लेकर के, तो वो समाज से अलग हो गए। एक किन्नर समाज पे ये भी आरोप लगता रहा पीछे कि किन्नर समाज जबरदस्ती भी किन्नर बना देता है लोगों को, ऐसा कुछ चर्चाएं भी चली फेसबुक सोशल मीडिया पे। ये देखिए ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे आरोप आज से नहीं शुरू से लगते आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब तक समाज रहेगा तब तक लगते भी रहेंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के बिना किसी भी चीज की शुरुआत नहीं हो सकती। किन्नर समाज पे जो आरोप लगते हैं दूसरों को किन्नर बनाने के, पहली बात तो देखिए कोई भी चीज है जो प्रकृति ने बनाई है असल वो रहेगी, और जो नकल है वो नकल रहेगी। किन्नर समाज या किन्नर बनाना, हम किसी को किन्नर बना देते हैं, मान के चलो कोई लड़का है, अगर हम उसको बाय जेंडर किन्नर बना देते हैं तो इंटरनली जो उसके अंदर जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, जो फीलिंग्स है, जो हाव भाव है, वो तो हम नहीं देते ना। चलिए किन्नर समाज को समाज की मुख्य धारा जोड़ने के लिए अब आगे सरकार से आप किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे, मैं आप चाहते हो वही समाज में आपको दर्जा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहती हूँ कि हमें रिजर्वेशन दिया जाए हर डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैंने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ा, तो मैंने माना कि जब तक किसी समाज को स्पेशल राइट्स नहीं दिए जाएंगे तब तक वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अगर किन्नर समाज को मुख्य धारा से जोड़ना है, आगे बढ़ाना है, तो हमें उन्हें कुछ विशेष अधिकार देने होंगे जिसे हमारे देश में आरक्षण या रिजर्वेशन कहा जाता है। देखिए ओबीसी कैटेगरी में कन्वर्ट कर देना एक अलग मसला है, और ओबीसी में पहले इतना स्ट्रगल है, इतना वहां पे, मतलब कि आप देखिए ना कि हमारे देश में बेरोजगारी कितनी है, हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, वो ठेके पे लगा लगा करके उनको भर्ती किया जा रहा है, हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, और जो मतलब कि जितनी वो मेहनत करते हैं उतना उनको मिलता नहीं है। अब देखिए ये डी ग्रुप की अभी भर्ती हुई थी, तो यहाँ पे बच्चे कौन से गए डी ग्रुप की फोर्थ ग्रेड की नौकरी करने के लिए, एमए बीए, हद है मतलब। मैं स्पेशल कोटा चाहती हूँ ना, मुझे एससी एसटी ओबीसी, हमें ये कोई भी कैटेगरी नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसी भी कैटेगरी के साथ स्ट्रगल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा समाज एक अलग समाज है, और हम निकलते भी उन्हीं में से हैं, लेकिन बाय जेंडर हम डिफरेंट है। हम चाहते हैं कि हमें अलग से, देखिए हम माइनॉरिटी हैं, मैं मानती हूं कि भारत में जितनी भी माइनॉरिटी हैं बाय रिलीजन
तो अगर बाय जेंडर माइनॉरिटी गिनी जाए तो वो हामी है। तो मुझे लगता है कि माइनॉरिटी के हिसाब से स्पेशल राइट्स देने चाहिए, इसके बिना मैं नहीं समझती कि कभी किन्नर समाज आगे बढ़ पाएगा। तो जैसा कि आपने जिक्र किया